हाय गाइस, आदर आदाब, अभिनंदन आभार। दिस इज संकेत कंचन, योर गुड ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम झांसी एंड बुंदेलखंड, आपका अपना मित्र। और मैं आया हूँ आज आपके साथ आज़ादी के 75 वर्ष का सेलिब्रेट करने के लिए, हर घर तिरंगे के साथ। तो मैंने अपने उस पर, अपना घर पर अपना तिरंगा फैला दिया है। और देख लीजिए, मेरे पहले ऊपर, सबसे ऊपर की छत पे मैं कर रहा हूँ आज। मौसम बहुत ही रंगीन, बहुत ही अच्छा हो रहा है। मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देशभक्ति के गाने भी सुन रहे होंगे, ये भी आ रहा है। मैंने अपनी छोटी छत पे भी ना एक वो दिया है, ये देखिए, आपको दिखाई देगा मेरे दूसरी छत पे जो तिरंगा मैं लगा रखा है। तो हर घर तिरंगा पूरी तरह से तैयार है बनाने के लिए। तो आज हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं 75वें वर्षगांठ पे, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सबसे अच्छी बात ये है, मैं आपको जहाँ दिखा देता हूँ कि अभी क्या ज़बरदस्त, ये देखिए आप, पूरा क्लाउड्स आए हुए हैं। मैं जिस छत पे हूँ वहाँ से बहुत अच्छा लुक आता है। मेरे घर के चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। तो आज मैं इसलिए अपने कमरे से, अपने स्टूडियो से नहीं करा मैंने अपना लाइव शो दो बातें आमने सामने, बिकॉज़ मौसम इतना अच्छा हो रहा था और ऊपर से 75वीं वर्षगांठ, क्या कमरे में बंद होकर के बनाना। इसलिए मैंने कहा कि चलो बाहर चलते हैं और बाहर चल के अपने दोस्तों के साथ बनाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम बढ़िया सा प्रोग्राम अपना शुरू करें और आपको बताएं कि क्या हुआ है इन 75 साल में आज़ादी के और कैसे हमने प्रोग्रेस करी है, मैं आपके पास पूरा रिकॉर्ड लाया हूँ 1947 से लेकर के अब तक का। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारा प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड शो होता है, और आज के स्पॉन्सर्स भी हमारे रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मिसूरिया और डॉक्टर अर्चना मिसूरिया, जो झांसी के अमंग द बेस्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स में से एक हैं। तो अगर आपके को किसी भी तरह का कोई भी शक है कि आपका मुँह कम खुल रहा है तंबाकू खाने की वजह से, तो कहीं वो ओरल कैंसर जैसा नासूर ना बन जाए, इससे पहले आप डॉक्टर रजत मिसूरिया से मिल लें। इसके अलावा अगर आपको डेंटल इम्प्लांट कराना है, रूट कनाल ट्रीटमेंट कराना है, पायरिया का इलाज कराना है, जॉ लाइन और नोज लाइन अच्छी करवानी, क्योंकि आपको एक अच्छी सी स्माइल मिल सके, तो ज़रूर जा करके डॉक्टर रजत मिसूरिया से मिलें, क्योंकि वो एक्सपर्ट मैम हैं सब्जेक्ट मैटर में। और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको सब मेरे इस वीडियो पर मिल जाएंगे मेरे इस वीडियो के बाद, तो आप उनसे संपर्क साध सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उस फ़ोन नंबर पर रिंग करेंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है उनसे कंसल्टेशन पाने में। तो क्यों डिले करना, डिले भी मत कीजिए और डिस्काउंट के मज़े भी उठाइए, तभी जा करके आपको पूरा पूरा आपके साथ देखने का फ़ायदा होगा दो बातें आमने सामने झांसी बाज़ार के लाइव फेसबुक पेज प्रोग्राम पर। और मैं रहा आपके सामने आपका दोस्त, आपका पब्लिक स्पीकर फ्रेंड संकेत कंचन। तो आइए अब बात करते हैं हमारे 75 साल आज़ादी के, जो आपने पूर्वज और हमारे पूर्वजों ने लड़ लड़ के ब्रिटिशर्स से अपना देश स्वतंत्र कराया। 75 साल छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। और जब हम हर घर तिरंगा, विच इज़ अ प्रोग्राम अंडर द एजेस ऑफ आज़ादी के अमूल्य रत्न, टू ब्रिंग द तिरंगा बैक एट आवर होम एंड होस्ट इट जस्ट टू कनेक्ट विद अवर नेशनल फ्लैग इन अ बेटर वे, टू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस ऑफ दिस ईयर, राइट। तो साहब, ऐसा है कि तिरंगे की शान ये है कि आपको मालूम है भारत जो है बहुत ही विविध तरह के लोगों का देश है। यहाँ बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे आराध्यों को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे खान पान हैं, बहुत सारी वेशभूषाएँ हैं, और उसके बावजूद जब हम भारत बोलते हैं तो ये सब लोग एक एक धागे में हो जाते हैं, और यही इस तिरंगे की खूबसूरती है। तो जो 47 साल में हमको आज़ादी मिली, उसके बाद 1950 में हमको मिली रिपब्लिक डे हमारा, जो अभी आप इसके बाद बनाएंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको पूरा क्रम समझाता हूँ कि क्या क्या हुआ है आपके अभी तक के देश की जर्नी में। तो 1947 इज़ वॉट वी गॉट अवर फ्रीडम। 1950 वॉज द ईयर वेन वी गेट इन टू अवर रिपब्लिक, वी मेड रिपब्लिक, गणतंत्र बना हमारा। और उसके बाद आया राइट टू वोट। हाँ जी सर, पहली बार वोटिंग का राइट भारत की जनता को मिला था सन 1952 में, 1952 when was the first election held in India and everybody voted for Congress and the Congress party won. That was the first time in India the voting happened and that was the year when it was 1952. तो सर, 1952 में आपने वोटिंग करवा दी, और तब से वोटिंग कितनी बार हो चुकी है हमारे यहाँ, कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, चाहे प्रेसिडेंशियल पोजीशन पे या प्राइम मिनिस्ट्रियल पोजीशन पे या चीफ मिनिस्ट्रियल पोजीशन पे, ये सब आप जानते ही हैं।
इसके बाद बना आपका जो दूसरा फाइनेंशियल बैकबोन जो स्ट्रांग हुई आपकी देश की, वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ साहब, आपके आपके देश में जो अकाउंट खुले उसका लेकर के SBI का सेटअप हुआ, और SBI का सेटअप हुआ है 1955 में। तब आपके देश में कायदे से एक फाइनेंस सिस्टम सुचारू रूप से शुरू हुआ, जहाँ खाता खुले, लोगों को अकाउंट में पैसे रखने की सुविधा मिली, अकाउंट में पैसे बढ़ने का, इंटरेस्ट मिलने का प्रलोभन शुरू हुआ, और तब से चेकबुक, ड्राफ्ट और ये सब चीज़ें बनती थी, जो आपको मालूम ही होगा ये सारी चीज़ें पहले एक ज़माने में होती थी। अब ज़माना बहुत बदल गया है, अब बटुआ नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, अब इलेक्ट्रिक ट्रांजेक्शन शुरू हो गया, डिजिटल UPI आ गया है। और आपको मैं बता दूँ, आज इंडिया एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ का UPI ट्रांजेक्शन इज 40% आउट द होल ट्रांजेक्शन इन द वर्ल्ड। नाउ कैन यू इमेजिन दैट, एक देश जो इतना पिछड़ा हुआ बोला जाता था उसको, जिसको 75 साल होने को आ रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा UPI ट्रांजेक्शन होता है आज पूरे विश्व में, 40%। तो ये हमारी पावर है, ये हमारी यूथ की पावर है, इस देश की पावर है। तो इसके बाद आया ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो आया 1960 में। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हरित क्रांति जिसे हम कहते हैं वो शुरू हुई, और ये चीज़ ने हमको जय जवान जय किसान का काम शुरू करवाया। इसके बाद मैं आपको बता दूं, आज तो मेट्रो हमारी शान है, हर शहर की शान है, और हर जगह मेट्रो जब जाती है तो हमें अपना एक देश दूसरे ही लेवल पर दिखता है। लेकिन आपको शायद ये जान के ताज्जुब होगा कि फर्स्ट मेट्रो जो थी वो 1984 में कैलकटा में चली थी, जिसने 17 स्टेशंस को इकट्ठे बांधा था। जी हाँ, आपको मालूम थी बात, कोलकाता जहाँ पे ब्रिटिशर्स के ज़माने में, वहाँ पे तब आपके मेट्रो आ गई थी, 17 स्टेशंस को साथ बांधती थी, और वो फर्स्ट मेट्रो स्टेशन थी जो पूरे इंडिया में पहली बार चली थी। और आज उसके बाद दिल्ली में आ गई मेट्रो, बॉम्बे में आ गई मेट्रो, और अब तो लखनऊ में भी चल रही है मेट्रो, हमारे UP की बात करें तो, और बहुत जल्दी अब कानपुर में भी रन करना शुरू कर दिया है। तो देखिए कितनी जल्दी मेट्रो का काम एक्सपेंड हो रहा है अब। मतलब मैं ये कहूँगा जो 70-75 साल में हुआ है बहुत अच्छी बात हुई है, जो हम जर्नी देख रहे हैं, लेकिन लास्ट 10-15 साल में जो एक्शन आया है वो बहुत काबिले तारीफ है, वो बहुत गजब का है, और बहुत तेज़ी से बात चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो ये तो हो गई ये बात। उसके बाद आया ऑटो रेवोल्यूशन। अब ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन जो आया वो शुरू होता है आपके 1957 से, जब हिंदुस्तान मोटर्स ने सबसे पहली अपनी गाड़ी मॉरिस ऑक्सफोर्ड के उस पर बनाई थी, मॉडल बनाई थी, इसका नाम था एम्बेसडर। डू यू रिमेंबर दैट? उस वक्त वो PSA ग्रुप के अंदर आती थी, और PSA ग्रुप यूरोप का ग्रुप हुआ करता था, UK का ग्रुप हुआ करता था, और उस वक्त उन्होंने उनके साथ मिलकर के फर्स्ट इंडियन कार बनाई थी एम्बेसडर, जो 2014 में जा करके फिर बंद हुई। उसके साथ साथ प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड, वालचंद ग्रुप एंड कंपनी ने अपनी प्रीमियर पद्मिनी, जो आपको याद होगी, आप अपने पापा चाचा ताऊ किसे ही पूछ सकते हैं, सब जानते उस गाड़ी को, वो गाड़ी आई थी समवेयर अराउंड 1964, और वो 2001 में बंद हुई। अब ये दोनों गाड़ियां रियर व्हील ड्राइव थी और यूरोपियन गाड़ियां थी, बिल्ड बहुत बढ़िया था सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उन दिनों में रोड बहुत अच्छी नहीं थी। तो अब जब चूंकि रोड्स बहुत अच्छी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, तब आई मारुति। कब आई? 1984, जब पहली मारुति आई थी जापान से, और सुजुकी आई थी, और उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट के साथ मिल करके मारुति कंपनी बनाई, और उन्होंने कंपनी की कारें लॉन्च करी। सबसे पहली बार कार की कीमत 45,000 से 50,000 रखी गई थी, और वो मारुति 800 का ज़माना फ्रंट व्हील ड्राइव से शुरू हुआ, और आज आप इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं सर। जी हाँ, आज आपके पास, आपके देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी, सबसे बड़े ब्रांड्स की कार कंपनी को आप ओन करते हैं, ये है पावर पिछले 75 साल की। जी हाँ, मिस्टर रतन टाटा द प्राउड इंडियन इज द ओनर ऑफ जैगुआर लैंड रोवर इन द वर्ल्ड। जी हाँ सर, तो थोड़ा सा अपने आप पीठ थपथपा लीजिए, 75 साल में काम बहुत हुआ है, और थोड़ा सा उन जैसे बिजनेसमैन को मान दीजिएगा जिन्होंने आपको अपनी आपकी पीठ थपथपाने के लिए मौका दिया है। तो रतन टाटा ओन्स the leading automobile brand Jaguar and Land Rover, which is you called a proudly an Indian car now, ठीक है। तो उसके बाद आप ये देखिए, टाटा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना शुरू किया। आज के वक्त में नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अबव 60% का मार्केट शेयर रखती है। हर महीने 4,000 गाड़ी इलेक्ट्रिक नेक्सॉन सिर्फ इलेक्ट्रिक बेच रहा है। कितनी ज़्यादा लीप्स में आगे बढ़ गया है टाटा अब, और उनका शेयर आज टेस्ला के शेयर से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी टेस्ला तो हिंदुस्तान में नहीं है साहब, और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमारे पास हमारी स्वदेशी कार है,
सुपर कार है, सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग है उसके, इलेक्ट्रिक पे चलती है गाड़ी और 400 से ऊपर की उसकी किलोमीटर्स की रेंज है। तो देर किस बात की है, बुकिंग करिए, बुकिंग 400 किलोमीटर के ऊपर इलेक्ट्रिक टाटा नेक्सॉन। जी हाँ, तो ये तो हो गई ऑटोमोबाइल क्रांति हमारी जो हमारे देश में आई। उसके बाद अब देखिए आप, हमारे को इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आज के वक्त में हमारे को ये देखना है कि अभी क्या क्या है। ये सब चीज़ तो हमारे साथ हुई हैं, ठीक है, 5G 4G भी आने वाला है। सो आप अगर देखें, सबसे पहला जो टेलीकॉम का सेक्टर आया वो IT एंड टेलीकॉम, 1984 में कंप्यूटराइजेशन पूरा इंडिया में आ गया था। उसके बाद से कंप्यूटराइजेशन की कोई सीमा ही नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन कोई सीमा ही नहीं है, सब चीज़ें बढ़ती गई, 2G 3G 4G, आज हम 4G पे बैठे हैं। आने वाले वक्त में हम क्या देख रहे हैं, बहुत सुनहरा भविष्य। कैसे देख रहे हैं कि देखिए, आने वाले वक्त में 2026 में अहमदाबाद से मुंबई दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। डिड यू हियर मी राइट? यस, इन 2026 वी आर अबाउट टू विटनेस द बुलेट ट्रेन जर्नी, द जर्नी ऑफ फास्ट स्पीड सुपरसोनिक स्पीड ट्रेन्स अमंग द टू सिटीज विच इज़ अहमदाबाद एंड बॉम्बे। सो यस, दिस इज़ अबाउट टू कम। जापान के कोलैबोरेशन से, जापान की टेक्नोलॉजी के मदद से हम अपने देश में लेकर आ रहे हैं सुपरसोनिक बुलेट ट्रेन, और वो 2026 में टेस्ट ड्राइव होने वाला है। बहुत तेज़ी से अग्रसर है हम आगे के लिए, है ना। और इसके साथ साथ अगर आप देखें 5G जो टेस्ट चल रहे हैं, जिसकी रोलिंग 2023 में ड्यू है, आई थिंक मार्च 2023 विल बी सक्सेसफुली रोलिंग अमंग सर्टेन सिटीज़। 5G का मतलब है कि ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ जाना, ऑनलाइन मेडिकल एड बढ़ जाना, बहुत सारी ऐसे ऑनलाइन एंटरटेनमेंट बढ़ जाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी इंडिया में जो अभी तक जिससे हम लोग नहीं हो पा रही थी या जो चीज़ें हम लोग मिस करते थे। जी हाँ, तो वो अब हिंदुस्तान में होने जा रही है। और इसके साथ साथ जी हाँ, ड्रोन्स भी इंडिया में बनना शुरू हो रहे हैं। घातक कॉम्बैट ड्रोन जो इंडिया में बनेगा, हो सकता है बुंदेलखंड में बने, वो उसके टेस्ट रन्स इज शेड्यूल टू बी ऑन 2024। तो ये देखिए, ये सब हो रहा है, होने जा रहा है, ठीक है ना। अब क्या क्या हुआ अभी हाल में, जो हो चुका है वो मैंने आपको बताया, और जो होने जा रहा है वो भी मैंने बताया। तो पास्ट बहुत सुंदर था, भविष्य बहुत परफेक्ट है, पर पिक्चर अगर आज की देखें तो क्या है दोस्तों, तो पिक्चर आज की ये है सर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा टनल बनाया है जो आप देखिए, इंजीनियरिंग क्लासिक है, इंडिया के इंजीनियर्स के बारे में बात करता है, ठीक है। सो एक तो वो बात हो गई आपके लिए। अगर आपसे मैं बात करूँ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के वैल्यू में, तो आज से पिछले 4 या 5 साल में रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत गजब तेज़ी से आगे बढ़ा है। अगर मैं उत्तर प्रदेश में बोलूँ तो 5 एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, जिसमें से 3 या 4 तो रेडी हैं, और 2 वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ गए, एक जेवर में बन रहा है और आपका एक काशी में। तो आप समझ लो कि यूपी में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, या और स्टेट्स भी हुआ है, बेंगलोर वगैरह के आसपास, जो कर्नाटका के आसपास, इज़ कमेंडेबल, इज़ रिस्पेक्टेबल। एंड गडकरी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है हाईवेज बिछाने का, वो लाइक इट्स लाइक ही रियली नीड्स अ वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन फॉर ईच इंडियन हेयर। तो वो भी एक बात है। इसके साथ साथ अगर आप देखें हमारे साथ क्या हो रहा है, मेट्रोज हर स्टेशन पे, हर सिटीज़ में बहुत जल्दी मेट्रोज आ रही हैं। लखनऊ में योगी जी ने शुरू करवा दिया है, कानपुर में योगी जी ने शुरू करवा दिया है, बनारस में ख़त्म होने को है, बहुत सारी जगहों पे काम शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि आपके झांसी सिटी में राइट्स जैसी कंपनी को काम दे दिया गया है, जो रूट तय करेगी, स्टेशंस के बारे में सोचेगी, कहाँ बनाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें लेकर के आ रही है। और राइट्स छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर काम होगा, बहुत तेज़ी से काम होगा। तो ये बात है अब आज के जो मेट्रो बिछ रहे हैं उसकी बात। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, तो आप भूले तो नहीं ना तेजस को, जो हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट जो हमने डिज़ाइन करके अभी HAL ने बनाया है। जी हाँ, मानता हूँ 60-70% इंडिजनाइज है, कुछ उसके पार्ट्स अभी भी बाहर से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद टेक्नोलॉजी इज़ ऑल डेवलप्ड बाय इंडियंस। इट इज़ एन इंडियन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इंडियन फाइटर जेट, एंड इट इज़ नाउ वेरी मच इन डिमांड इन अब्रॉड। सो बेसिकली जो कहलाया जाता था हथियारों का बहुत बड़ा खरीदार भारत, आज हथियारों को बेच रहा है, दूसरे कंट्रीज उससे हथियार ले रहे हैं। यही नहीं सर, इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल जिसको हमने डेवलप किया और उसको मार्केट किया, आज ब्रह्मोस की वजह से हमें बहुत सारा फॉरेन रिजर्व आ रहा है। तो ये है सर हमारे आज की ताकत। EVs के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, एक क्रांति आई हुई है, चाहे वो आप ऑटोमोबाइल में टू व्हीलर्स की बात करें या फिर आप बात करें 4 व्हीलर्स की। लेकिन एक बात तय है कि जिस तेज़ी से इस साल EVs आई हैं, उसके डबल तेज़ी से
EVs अगले साल में आने वाली हैं और मार्केट बहुत तेज़ होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पास्ट बहुत गरिमामय, प्रेजेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग और चिलिंग एक्सपीरियंस जिसे कह सकते हैं, एक्साइटिंग, और फ्यूचर इज़ गोना बी परफेक्ट। एंड दैट्स द होल थिंग आई वुड वांट टू से टू ऑल ऑफ यू गाइस, बिकॉज जो हो रहा है बहुत तेज़ी से हो रहा है, और रफ्तार जो इंडिया ने पकड़ रखी है वो बहुत तेज़ी से पकड़ रखी है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का योगदान है, हमारी गवर्नमेंट मशीनरी का सबसे बड़ा योगदान है, इसके साथ साथ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है, इसके साथ साथ जो हमारे आज के यूथ है जो स्टार्टअप्स पे बहुत भरोसा करते हैं, जो ट्राई दे रहे हैं सब नई चीज़ों को और नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, सम आर टर्निंग आउट टू बी अ ग्रेट थिंग, सम माइट नॉट बी, बट द होल आइडिया इज दिस दैट ट्राई एंड ट्राई इज द कॉन्सेप्ट। सो ट्राइंग हो रही है हर तरफ से, और इसके लिए मैं हर एक उस यूथ का शुक्रगुजार हूँ जो ये इनिशिएटिव्स ले रहा है और अपने आइडियाज सामने रख रहा है टेबल में, चाहे वो किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म हो। स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रही है, स्टार्टअप्स को हर तरह से प्रमोशन, ट्रेनिंग, हर तरह का सपोर्ट गवर्नमेंट से मिल रहा है, जो एक बहुत अच्छी चीज़ सरकार कर रही है। यंग टैलेंट को जो है बढ़ावा दे रही है, यंग टैलेंट को हिम्मत दे रही है कि वो आगे बढ़े। अब देखना यह है कि यहाँ से कहाँ, तब से लेके अब तक तो ठीक है, यहाँ से कहाँ विल गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। तो साहब, मैं आपके पास यह बात करने आया था, आपसे काफ़ी अच्छी बात करी आज संडे की शाम 5 बजे, दो बातें लाइव आमने सामने के शो पे, और हाउ इज़ द जोश, इज वेरी हाई फॉर दिस हर घर तिरंगा प्रोग्राम, और वो है मेरे घर पे तिरंगा। आई होप आप सब ने भी अपने अपने घरों में तिरंगा लगा लिया होगा और ये आपके घरों में फहरा रहा होगा, लहरा रहा होगा, और मौसम इतना बढ़िया है कि सब लोग इसे इंजॉय करें, सब लोग बाहर निकलें, तिरंगे के बारे में जानें। मैंने तिरंगे पे एक बहुत अच्छा शो बनाया है, जो जिसका लिंक मैं आई में बटन में ऊपर दे दूंगा, आप उसको दबा के उस शो को भी देख सकते हैं। उस पर तिरंगे की कैसे मान सम्मान करना है, आपके घर में लगाने के लिए आपको पहली बार इजाज़त मिली है तो अपमान मत कीजिएगा, उसको कैसे रखना है, उसको कैसे हमें होस्ट करना है, उसका क्या तरीका है सही, वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, आई सिंसियरली अप्रिशिएट यू पुटिंग दिस, टेकिंग दिस टाइम आउट फॉर मी ऑन योर संडे, एंड दैट टू ऑन दी हर घर तिरंगा कैंपेन डेज 13th to 15th of August, बट हैव अ फन फिल्ड इंडिपेंडेंस डे दिस ईयर, एंड वी गोना मीट द नेक्स्ट संडे सून। टेक केयर, चाओ, बाय।